पानी को बॉयल करते वक्त टेम्परेचर तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलता है, और ये काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठा आकर बबल बनकर इवापोरेट होने लगते हैं। इसीलिए ये तेज तरीका है इवापोरेशन का। लेकिन गर्मी के दिनों में इवापोरेशन से कैसे पानी सूख जाता है? गर्मी के दिनों में या रूम टेम्परेचर पर कम काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स एक एक करके इवापोरेट होते हैं, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ा देने पर टॉप लेयर के वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा कॉन्टेक्ट में आते हैं हीट के, जिससे इवापोरेशन बढ़ जाता है। और बहती हवा तेजी से इवापोरेट हुए मॉलिक्यूल्स को उड़ा कर ले जाती है, जिससे नीचे के लेयर के वाटर मॉलिक्यूल्स का इवापोरेशन तेजी से हो सके।